तो हेलो गाइस, वीडियो में आपको बताऊं कैसे आप नेटरन सर्वर में लॉबी का वर्ल्ड पूरा अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई ज्वाइन होगा तो वो लॉबी में स्पॉन होगा। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लॉबी मैंने अपने वर्ल्ड में अपलोड की। तो चलो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दो पार्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ब्रांड न्यू सर्वर है मेरे, यहाँ पे वनीला से चेंज करके पेपर रख देना है, पेपर बुकेट तभी प्लगइन डालने का आएगा। तो मैं इसका दो पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट में मैं अलग बताऊंगा, एक पार्ट में अलग बताऊंगा। तो दूसरा पार्ट अगर चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना। तो अब यहाँ पे पेपर एमसी हो चुका है, अब सर्वर में जाने और फिर प्लगइन ऐड करना है आपको। तो सर्वर में जाने के बाद यहाँ पे अभी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अभी मैं सर्वर में जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी लोडिंग हो, यहाँ प्लगइन में चले जाने। अब यहाँ पे प्लगइन आ गया होगा आपके पास, तो अभी मैं प्लगइन में जाऊँगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लगइन डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आपको डर करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे होगा एसेंशियल, यहाँ पे कोई सर्च नहीं करना है, यहाँ पे एसेंशियल ओपन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल स्कोर इंस्टॉल कर लेना है, ये वर्ल्ड बनाने के लिए, एक नया सर्वाइवर बनाने के लिए। और यहाँ पे वर्ल्ड एडिट वर्ल्ड गार्ड भी कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे होलोग्राफिक डिस्प्ले जो बिल्कुल एंड वाली लाइन में वो भी करना है। यहाँ पे होलोग्राफिक डिस्प्ले, ये होलोग्राफिक डिस्प्ले बना देगा, टेक्स्ट हवा में जो उड़ता है वो बनाएगा लॉबी में। तो इन सब प्लगइन की हमें जरूरत है, और किसी प्लगइन की जरूरत नहीं है। बाकी अगर एसजी एनपीसी वगैरह के लिए भी चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, कौन सा प्लगइन चाहिए उसके लिए वो भी बना दूंगा। और यहाँ पे एसेंशियल से इंस्टॉल हो गया, और भी इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, बाकी सब मल्टीपल स्कोर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। पूरा प्लगइन में इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा सर्वर। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक एक सर्वर इंस्टॉल कर लिया, पूरा सर्वर इंस्टॉल कर लिया, जो जो खोला था पूरा इंस्टॉल कर लिया। अब आपको वर्ल्ड में जाना है, सर्वर को स्टॉप ही रखना है। अगर आपको वर्ल्ड ये पहले से थोड़ा सा बना हुआ है तो उसको डिलीट कर देना, पूरा डिलीट कर देना इस वर्ल्ड को। और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग लॉबी अपने लिए। मैं एक लॉबी अपने लिए डाउन कर रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। तो उसको आपको यहाँ पेस्ट कर देना, यहाँ पे ला के यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देना, और ये वो लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लोड होना शुरू होगा तो ये मतलब ये जब टिक बना हुआ है तो मतलब लॉबी अपलोड हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, सर्वर अपना स्टार्ट कर देना है। और अभी मैं एनपीसीज वगैरह का नहीं बताऊंगा, अभी अगली पार्ट में बताऊंगा एनपीसीज का। तो अगर चाहिए होगा तो बोल देना। हाई पिक्सल की तरह बिल्कुल यहाँ पे बनेगी लॉबी अपनी, एनपीसीज वगैरह खड़े होंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे सर्वाइवर बैड वॉर में। तो अभी यहाँ पे आप देखते हैं मेरे सर्वर बन चुका है, अभी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ दोबारा से, वो पहले क्रैक ऑन नहीं था, क्रैक ऑन कर लिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरी लॉबी बन चुकी है, मैं लॉबी में ही स्पॉन हुआ हूँ। तो अभी मैं अपना सर्वाइवल वर्ल्ड बना लूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी मैं पहले तो अपने आप को ओपी बना लेता हूँ। यहाँ पे ओपी में जाके सबसे पहले मैं एटर्नस की दोबारा से होम स्क्रीन जाऊँगा, और यहाँ पे छोटी स्क्रीन कर दी मैंने, और यहाँ पे ओपी बना दूंगा अपने आप को। ओपी में जाऊँगा और यहाँ पे अपना नाम ऐड कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर बन जाऊँगा। फिर मैं पूरे कमांड लिख सकता हूँ, गेम मोड वगैरह क्रिएटिव वगैरह कर सकता हूँ। दोबारा से अपनी गेम लगा लेता हूँ, उसमें देखता हूँ। यहाँ पे देखते मैं ऑपरेटर बन चुका हूँ, यहाँ पे गेम मोड क्रिएटिव वगैरह भी अब होगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अब हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो चुके हैं गेम मोड क्रिएटिव, और यहाँ पे जो जो मैं प्लगइन इंस्टॉल करवाएं वो सब करना है। यहाँ पे होलोग्राफिक डिस्प्ले भी हम लोग लगाएंगे अगले पार्ट में, और एनपीसीज भी खड़ा करेंगे। एनपीसीज में हम लोग जब राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे सर्वाइव में। तो अभी मैं सर्वाइव वर्ड बनाना बता दे तो कैसे बनाना है। तो आपने अभी स्लैश दबाना है दोबारा से, यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी आपको एक सर्वाइव वर्ल्ड बनाने की। तो एक ही वर्ल्ड है हमारे पूरे, यहाँ पे वर्ल्ड नेदर वगैरह है और वर्ल्ड, और बाकी ये वर्ल्ड की लॉबी की है। तो अभी हमें सर्वाइव वर्ल्ड बनाना है, तो अभी मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूंगा यहाँ पे मैं टू पार्ट भी बनाऊंगा, अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश एम वी क्रिएट, और आगे सर्वाइवल लिखना है। सर्वाइवल का वर्ड बनाना है तो सर्वाइवल लिखना है, और आगे नॉर्मल लिख देना है छोटे लेटर में नॉर्मल। और यहाँ पे देख सकते हैं बनना स्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ी देर बाद ही बन जाएगा ये, थोड़ा सा देर लगता है बस, और फिर बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं बन चुका है, और कम्प्लीट लिखा हुआ है तो मतलब समझ लो बन चुका है। और यहाँ पे सर्वाइवल वर्ड बन चुका है। अभी हम एनपीसी तो नहीं, अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं टेलीपोर्ट वहाँ पे, तो मैं वो बताता हूँ। तो आपने लिख दिया स्लैश एम वी टी पी और सर्वाइवल, मतलब उसका नाम लिख देना वर्ल्ड का। तो ये देख सकते हैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और अगले पार्ट में बताऊंगा कि एनपीसीज के जरिए हम लोग कैसे कर सकते हैं ये टेलीपोर्ट। तो यही थी आज वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ।